हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको भी क्लिक कीजिएगा, तो आपको और भी जो मेरे वीडियोस हैं आपको आते रहेंगे। तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि विधि पांड्या का एंट्री होने वाली है शो में, जैसे पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिग बॉस से किसको किसको अप्रोच किया है और कौन कौन आने के चांसेस है, क्योंकि बिग बॉस ही ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है। तो मैं आपको एक लिस्ट एक साथ ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा न्यूज़ देख के बाद में आप लोग ये कहेंगे कि यार आपने ये बोला आपने वो बोला, आया नहीं ये आ गया। तो मैं आपको एक साथ लिस्ट बता देता हूँ कि बिग बॉस किसके किसके पास अप्रोच किया है, कौन कौन क्वारंटाइन में है और कौन आने का कन्फर्म्ड है। ये सब मैं आपको लिस्ट अभी बता देता हूँ, ठीक है? जितने लिस्ट मेरे पास आए थे वो सभी लिस्ट एक साथ आपको बता चलो देता, आप आपको बता देखिए। देते कि कौन कौन है दावेदार। यहाँ पे जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज का जो मेन कंफर्म्ड मैं आपको बता देता हूँ, डोनाल्ड बिस्ट एकदम कंफर्म्ड है और उसके साथ मूज जटाना वो भी कंफर्म्ड है। तो ये डोनाल्ड बिस्ट और मूज जटाना कंफर्म्ड दिखा रहा है, क्योंकि ये लोग का क्वारंटाइन हो चुका है और ये लोग एनी टाइम शो के अंदर एंट्री भी हो सकते हैं। जैसे कि आज के लाइव फीड में भी आपने देखा होगा कि विशाल कुटियान, ये लोग डोनाल्ड बिस्ट के बारे में नाम ले रहे थे। कुछ अंदर ही ये लोग का चल रहा है, पता नहीं ये लोग को पता चलता है क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, जो डाउटफुल लगता है। तो डोनाल्ड बिस्ट एक बहुत अच्छी बंदी है, उसका जिस तरह से बाहर जाना वो अनफेयर था, जिस तरह से डोनाल्ड बिस्ट और विधि पांडे का बाहर रहना अनफेयर था, तो वैसा अभी दोबारा ला रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि डोनाल्ड बिस्ट का नाम हमेशा डोनाल्ड बिस्ट हमेशा बाहर बाहर से उमर रियाज को सपोर्ट किया है और प्रतीक को भी सपोर्ट किया है। अभी देखना होगा कि ये डोनाल्ड बिस्ट अंदर आके कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। और दूसरा जो मूज जटाना का ज़्यादा इतना ये नहीं है, वो अंदर आके क्या बोलेगी किससे बात की, वो सिर्फ अंदर आके मुझे लगता है निशांत से चिपक के बैठ जाएगी, या तो प्रतीक से चिपक के बैठ जाएगी, लोग एक टीम जैसे बैठेंगे। उतने मुझे मूज जटाना दिखने वाली है मेरे ख्याल से, जैसे कि बिग बॉस OTT में भी थी, वो एक ही जगह पर चटक के बैठी थी, उसके अलावा कहीं निकली नहीं थी। तो उसको ला मूज जटाना को लाने का मतलब ये कि निशांत को स्ट्रॉन्ग करना, शायद से ये हो सकता है। और ये दोनों कंफर्म्ड है। और एक और ऑलमोस्ट कंफर्म नाम आ रहा है, वो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया विधि पांड्या, ये आज सुबह सुबह कंफर्मेशन न्यूज़ आई है और विधि पांड्या को भी क्वारंटाइन किया गया है। पता जो कि क्वारंटाइन किया गया है, अभी आएंगे कब कब ये पता नहीं, शायद से डोनाल्ड बिस्ट मूज जटाना विधि पांड्या का एक ही साथ एंट्री हो, या तो डोनाल्ड बिस्ट और विधि पांड्या का एक साथ एंट्री हो और मूज जटाना बाद में एंट्री करे, कुछ आइडिया नहीं है। शो आएंगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि बिग बॉस खुद इतना कन्फ्यूज है कि किसको कब लाना है पता नहीं। तो विधि पांडे का ऑलमोस्ट ही कन्फर्म्ड है और वो बहुत अच्छी बंदी थी, उसका भी अनफ्रेंड एविक्शन हुआ था डोनाल्ड बिश के साथ साथ, सबके साथ रिलेशन बना के रखे थे, और वो भी ऐसे नहीं कि एकदम बेकार रिलेशन, एकदम अच्छे रिलेशन, जैसे सब बहुत लोगों ने बहन मानना शुरू किया, दोस्त माने, बहुत अच्छा रिलेशन बनाया था विधि पांड्या ने। और इनफैक्ट उनको सबसे ज़्यादा वोट भी आए थे, ईशान महेशा हो या फिर डोनाल्ड बिश हो, मतलब जितने भी कंटेस्टेंट थे सबसे ज़्यादा वोट उनको आए थे, निकल गए। और एक और नाम जो है, जैसे कि डोनाल्ड और मूस और पूरे कंफर्म्ड है, और यहाँ पे विधि पांड्या ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, वहीं पे एक है अक्षरा सिंह, ये कंफर्म बहुत पहले मुझे कंफर्म लगा और कंफर्म था हमारे पास जब न्यूज़ आता अक्षरा सिंह का, कंफर्म लगी क्योंकि अक्षरा सिंह क्वारंटाइन भी हुई थी। अब एक बंद अगर कोई क्वारंटाइन होता है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट वो शो में आने के लायक हो जाता है, लेकिन पिछले 3 दिन से अक्षरा सिंह का नाम थोड़ा ये हो रहा है, मीन्स जितना नाम पहले आ रहा था अक्षरा अंदर आ रही है, अब पीछे हो रहा है। मुझे लगता है शायद से मूज जटाना के वजह से हो रहा है, पता नहीं, क्योंकि इनको मूज हटाना है अक्षरा में से एक को लेके जाना है, ऐसे मुझे ऐसा लगता है शायद से। तो एक तो आपको मूज हटाना अंदर दिखेगी या तो फिर अक्षरा अंदर दिखेगी, क्योंकि अक्षरा ऑलरेडी क्वारंटाइन हो चुकी है बिग बॉस के जो होटल्स होते हैं वहाँ पे, तो फिर अक्षरा क्यों नहीं अभी इतना नाम आ रहा है, शायद से अक्षरा को एकदम छुपा के रखा हो तो किसी को दिखा नहीं रहा है। अक्षरा कभी भी जाके एंट्री मारेगी तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अक्षरा कहीं भी जाके एंट्री मार सकती है।
जिनका नाम भी कंफर्मेशन में है, बट मैं इसको 50-50 में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 दिन से हमारे पास कोई इसकी खबर नहीं आ रही अक्षरा की। और लेकिन हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग खबर है कि वो होटल में है, क्वारंटाइन है, बट फिर कहाँ पे, शो में क्यों नहीं आ रही? वो सबसे पहला क्वारंटाइन वही दिखी थी डोनर से पहले, फिर कहाँ है वो? देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा अक्षरा कैसे अंदर एंट्री करती है। और एक अभी मैं आपको जो बताने वाला, जो बिग बॉस जिसको जिसको अप्रोच किया है, अभी जो कंफर्मेशन नॉट कंफर्मेशन मतलब 50-50% चांस ऑफ कंफर्म के मैंने नाम लिए, अभी जो नाम लेने जा रहा हूँ जिसको जिसको बिग बॉस ने अप्रोच किया है, जिनको अप्रोच किया है, और जो एक नहीं किए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक है जिशान खान। जिशान खान आप सबको पता है, जो बिग बॉस ओटीटी में बाहर चले गए थे फिजिकल फाइट की वजह से, जबकि जिशान की कोई गलती नहीं थी, सब ने लाइव देखा था, सब ने पूरा एपिसोड को देखा था, घोट के पी के देखा था एपिसोड को, उसमें क्लियर था कि जिशान खान को अनफेयर एविक्शन किया है बिग बॉस से, गेम बिग बॉस से उनको बाहर निकाला क्योंकि दिव्या को या फिर किसी का वोट वो खाने जा रहा था जिशान, क्योंकि जिशान का पॉपुलैरिटी जल्द से जल्द बढ़ रही थी, वो बिग बॉस को पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए बाहर कर दिया था उनको। अब ये 15 में अप्रोच किया उनको लाने के लिए, शायद से प्रतीक के साथ टक्कर दिखाने के लिए, देखते आगे। और दूसरा जो एक और नाम आ रहा है करण नाथ का, करण नाथ जो बिग बॉस में कुछ नहीं किया, बड़े बड़े आंख लेके इधर उधर घूमते थे, बट उसके आगे कुछ नहीं दिखा, वो ऐसा लगा पहला कुछ करेगा बट कुछ एकदम फुस निकला था करण नाथ। अब उनका उनको भी अप्रोच किया है, आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, अप्रोच किया, जब आने का होगा तो अगर कोई कुछ क्वारंटाइन वारंटाइन होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। बट इनका भी नाम, इनको भी अप्रोच किया, इनका भी नाम आ रहा है, इनका नाम पहले 3-4 दिन पहले इनका कंफर्म लिस्ट में आ रहा था करण नाथ को ला रहे, बट फिर बाद में वापस से डाउन हो गया, शायद से इनका बिग बॉस बहुत कन्फ्यूज है, बिग बॉस इस बार किसको वाइल्ड कार्ड एंट्री में लाना है बहुत कन्फ्यूज है, पता नहीं लोग ओटीटी को क्यों दिख रहे हैं, मैं पहले वही सोच रहा हूँ, जितने भी नाम है सब ओटीटी वाली है। और एक है अभी जो मैं नाम लेने वाला, शिविन नारायण का, सॉरी नॉट शिविन नारायण, शिविन नारांग, इनका नाम आ रहा है जो बिग बॉस 13 में आसिम रियाज के जगह, आसिम रियाज आने से पहले इनका नाम कन्फर्म था, बाद में इन्होंने मना कर दिया, उससे जब 5 घंटे पहले आसिम रियाज को बुला दिया, तो फिर आसिम रियाज वहाँ से स्टार बन गए, लेकिन ये नहीं आए बिग बॉस 14 में भी, ये नहीं है, मना कर दिया इन्होंने। अब बिग बॉस 15 में इनके पास एक और बार अप्रोच किया है बिग बॉस ने कि आप वाइल्ड कार्ड एंट्री में आ जाइए करके, अगर आप एपिसोड में नहीं आ रहे मतलब मेन इसमें नहीं आ रहे तो कम से कम वाइल्ड कार्ड एंट्री में आ जाइए। अब पता नहीं ये कंफर्म करते नहीं करते, कुछ कंफर्मेशन होगा अगर एक क्वारंटाइन का कुछ होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। इनको भी अप्रोच किया है। और एक जो नाम है आकाशा सिंह, इनको बिग बॉस ने अप्रोच नहीं किया है बट ये खुद से आना चाहती है। तो आकाशा सिंह इंटरेस्टिंग है, आकाशा सिंह ने अभी एयरपोर्ट में जा रही थी तो उनको इंटरव्यू में पूछ लिया बिग बॉस में जाने का क्या कोई न्यूज़ है क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ बिग बॉस में, कि मैंने बहुत बहुत सारा मेरा गेम अधूरा है वहाँ पे और वो पूरा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपने तरफ से बताया कि वो जाना चाहती है, उसका गेम अधूरा है। तो अधूरा है तो मैडम तुमने वैसे तो कुछ किया नहीं पूरा करने के लिए, पहले क्या अधूरा है, प्रतीक से प्यार करना इंटरेस्टिंग होगा कि प्रतीक नेहा और अक्षय आकाशा का क्या झमेला होने वाला है, वो इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं। अगर बिग बॉस इसको अप्रोच करते हैं तो इसको ज़रूर लेके आएंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता बिग बॉस अप्रोच करेंगे शायद से, कितने जगह पे जाके इससे हक दी, जाके हर जगह पे बिग बॉस की मतलब ना मतलब बिग बॉस के अगेंस्ट में बात की इन्होंने, तो शायद से बहुत मुश्किल है इसका आना, ऐसा लग रहा है। इतना ही है, आप देखिए कौन आते हैं नहीं आते, और आपको कोई खबर मिलती है न्यूज़ मिलती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन आने वाला कौन नहीं आने वाला है, हमारे पास ये लिस्ट हमने आपको बता दिया है, कंफर्म भी है, ऑलमोस्ट कंफर्म वाले भी है, जिनको अप्रोच किया है वो भी है, सब लिस्ट में आपको दिया है। धन्यवाद।